दोस्तों, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी बचपन को याद कीजिए। आपका सबसे बड़ा सहारा कौन था? वो कौन था जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो? वो कौन था जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता था? आज की कहानी एक ऐसे बेटे के बारे में है जिसने अपनी माँ के प्यार को हल्के में ले लिया, फिर बाद में उसे गहरा अफसोस हुआ। रणवीर शहर के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ने वाला एक होनहार छात्र था। वह बहुत मेहनती था। वह तेज बुद्धि, आकर्षक व्यक्तित्व और विभिन्न खेलों में अद्भुत प्रतिभा का धनी था। रणवीर सभी का प्रिय था, लेकिन रणवीर के जीवन में एक छुपा हुआ रहस्य था जिसे अभी तक रणवीर नहीं जानता था। रणवीर अपनी माँ सुनीता के साथ रहता था, जो विद्यालय में सफाई कर्मचारी थी। सुनीता की एक ही आँख थी। रणवीर को डर था कि उसके दोस्तों को उसकी माँ के बारे में पता चलेगा तो सब उनका मजाक उड़ाएंगे। इस डर के वश में रणवीर अपनी माँ से दूर भागते रहा। वह अपनी माँ को कभी भी स्कूल या अपने दोस्तों के सामने नहीं लाता था। एक दिन भाग्य ने रणवीर के साथ क्रूर मजाक खेला। एक महत्वपूर्ण कागजात छोड़ने के लिए रणवीर की माँ विद्यालय पहुंची। रणवीर को जब यह पता चला तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुनीता अनजाने में रणवीर के कक्षा में प्रवेश कर जाती है, जहां उस समय एक महत्वपूर्ण परीक्षा चल रही थी। रणवीर को यह देखकर भारी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके दोस्तों ने सुनीता का बहुत मजाक उड़ाया और रणवीर को नीचे दिखाया। क्रोधित रणवीर ने अपनी माँ को डांटते हुए कक्षा से बाहर निकाल दिया। वर्षों बीत गए, रणवीर की पढ़ाई पूरी हो गई और उसका एक अच्छा सा कंपनी में जॉब लग गई। फिर उसने एक सुंदर लड़की के साथ शादी कर ली और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा। एक दिन कई सालों बाद सुनीता रणवीर के घर आती है। रणवीर ने उनकी हालत देखते हुए उन्हें घर में प्रवेश करने से मना कर दिया और उन्हें डांटते हुए अपने बच्चों से दूर रहने के लिए बोल दिया। कुछ दिनों बाद रणवीर को अपनी गलती का पछतावा हुआ। रणवीर माफ़ी मांगने के लिए वह अपनी माँ के घर गया। रणवीर ने डोर बेल बजाई पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर उसने ट्राई किया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी रणवीर अपनी माँ की पड़ोसियों से पूछता है, यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी, वह कहाँ चली गई? तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। रणवीर को गहरा दुख हुआ। पड़ोसियों ने रणवीर से पूछा, क्या वह उनका बेटा है? तो रणवीर ने रोते हुए कहा, हाँ। तभी पड़ोसियों ने रणवीर को एक पत्र दिया जो उनकी माँ ने रणवीर के लिए लिखा था। पत्र में सुनीता ने लिखा था कि कैसे बचपन में एक सड़क दुर्घटना में उनके पिताजी का देहांत हो गया और रणवीर की एक आंख चली गई। रणवीर को बचाने के लिए उसकी माँ ने अपनी एक आंख दान कर दी, ताकि रणवीर को स्कूल में या कभी भी अपने जीवन इन भावना की सामना न करना। यह जानकर रणवीर अब पूरी तरह से टूट गया। रणवीर अब अपने आप को कोसने लगा। रणवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उन दिनों को याद करने लगा जब रणवीर अपनी माँ को छुपाता था और उनसे शर्मिंदा होता था। अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। रणवीर ने अपनी माँ की कब्र में जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। उसने वादा किया कि वह आज के बाद कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, खासकर उन लोगों को नहीं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। यह कहानी एक बेटे और उसकी माँ के बीच
एक अटूट प्रेम की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी माँ की प्यार को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कैसे भी हो। दोस्तों, आप बताओ, क्या रणवीर को कभी सुकून मिल पाएगा? दोस्तों, मुझे पता है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हाँ, अपनी फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करना।